चलिए चेक करते हैं 11 नंबर का क्या होगा। ए का 40%, ध्यान दो जी ये टाइप 3 टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ए का 40%, अब देखो इसको टाइप 3 का तो इसको बनाना कैसा है। 11 नंबर ए का 40 इज इक्वल टू बी का 60, तो ए भी लिख दिया, जो जिसके नीचे वही लिखे। फिर बोला है क्या ए का 50 तो बी का वाट, तो क्रॉस कर दो 50 × 60/40, 20 × 20 = 25 × 75 किसका है जी, तो बी का कितना परसेंट, 75%। जिसका जिसका है सही कीजिए। आया जी समझ में आया नहीं समझ में आया? अरे बाबू इसमें कुछ करना ही नहीं है। बोला ए का 40%, तो ए लिख दे माथा पे, बी लिख दे माथा पे, तो ए का 40% तो नीचे लिखे 40, बी का 60% तो नीचे लिखे 60। अब यहाँ बोला ए का 50%, तो ए के नीचे लिखे 50, तो बोला बी का कितना परसेंट, तो कुछ नहीं तो बताओ व्हाट, तो क्रॉस कर दिए। क्रॉस बोले तो व्हाट इज इक्वल टू जो जो मिला उसको ऊपर लिख दे 50 × 60, जो नहीं मिल रहा उसको लिख देते 40। तो ये सब तो कैलकुलेशन तो आप लोगों को आता ही ना भाई, अब समझ में आया? या लोग ऐसे नहीं करते हैं तो सिंपली बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं ए का 40% बराबर बी का 60%, तो बी तो ए का 50% बराबर बी का वाट परसेंट, तो क्रॉस कर दे, तो वही बात हुआ ना जी, ऐसे बनाया ऐसे बनाओ तो वही बात हुआ, तो वही आ जाएगा आपका 50 × 60/40। क्लियर? नेक्स्ट।